मजबूती देने के उद्देश्य से राजधानी रांची समेत सभी जिलों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर पार्टी के भीतर ही कुछ नेता और मुस्लिम संगठन अब सवाल उठा रहे हैं। इनका आरोप है कि मुसलमानों की हिमायती कहे जाने वाली कांग्रेस मुसलमानों को दरकिनार कर रही है, जिसका विरोध होगा। दरअसल झारखंड कांग्रेस एक बार फिर विवादों में है। पूरा मामला जिला अध्यक्षों के चयन से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक भी अल्पसंख्यक नेता को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, निश्चित रूप से लोगों में नाराजगी है और मैंने इस विषय में पार्टी प्रभारी से बात की है, जो भी चूक हुई है उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष हाजी मुख्तार ने पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष की मंशा को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आती है और अंजुमन इस्लामिया ये मांग करती है कि मामले पर फिर से विचार हो, वरना इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि हालांकि ये साक्षात्कार के अनुसार तय हुआ है, लेकिन अगर लोगों को लग रहा है तो इस पर क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पर आलाकमान निर्णय लेगा, इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भर्त्सना करती है अजीम इस्लामिया कमेटी, क्योंकि ये अविनाश पांडे को यहाँ लोकल लोगों से और यहाँ के लोग प्रदेश के लोगों से मिल करके मशवरा करके करना चाहिए। हमको लगता है कि ये इसमें मुलविस हैं, कहीं ना कहीं सब मिली भगत है और दरकिनार करना चाहते हैं। इसकी हम निंदा करते हैं अंजुमन इस्लामिया की तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए था और फिर से पुनर्विचार करना चाहिए था। अविनाश पांडे जी को, राजेश ठाकुर जी के और जो भी हैं कांग्रेस से जुड़े हुए जो भी हैं बड़े बड़े नेता, उनको उनसे मशवरा करना चाहिए था, फिर से विचार करना चाहिए। इन कैपेसिटी टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम रांची प्रेजिडेंट, रांची प्रेजिडेंट, लेकिन मैं जितना जानता हूँ हमारे अध्यक्ष जी बहुत संवेदनशील हैं और वो सबको लेकर चलना जानते हैं। उनकी सोच यही रहती है कि सबको कैसे लेकर चलाया जाए, तो कहीं अगर कुछ टूटी रही है उस पर वो काम कर रहे होंगे, मैं निश्चित उसको लेकर और आपको चीज नज़र आएगा। सब लोग अपने अपने अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और हम लोग जो भी करते हैं सभी लोगों की सहमति से करते हैं। रह गई बात अल्पसंख्यकों की भागीदारी की, तो निश्चित रूप से ये कहीं इसको चूक ही कहा जा सकता है और हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और जो यहाँ साक्षात्कार की प्रक्रिया हुई थी उन सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए हमें ऐसा लगता है कि उसमें कई बार लोगों का की भावना सामने आती है और उन भावनाओं का पूरा हम कद्र करते हैं। पार्टी में लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार भी है और हम उस पर अमल भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग लगातार परेशान हो रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी में धर्मनिरपेक्षता और सारी चीज़ों को देखा जाता है और ऐसे में अगर कोई बात सामने आई है तो उसका समाधान किया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर इस चीज को हमने रात करीब करीब 11-12 बजे देखने बाद हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे से बात की और मैं आशावादी है कहीं पर हो सकता है गलती हुई है उसको सुधार का रास्ता है। अल्पसंख्यक वर्ग की तरफ से जो प्रश्न उठ रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। लोकतंत्र को इसलिए मजबूत कर रहे हैं कि लोकतंत्र में अपनी वाणी की अभिव्यक्ति ही लोकतंत्र कहलाता है और कहीं ना कहीं अगर लोगों को लग रहा है तो वो आवाज़ उठा रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे उनकी आवाज़ को नेतृत्व भी गंभीरतापूर्वक सुन रही है और समझ रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण अगर आप देखें तो जिला अध्यक्षों का चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के द्वारा किया गया था। कांग्रेस पर तमगा तो लगा है लेकिन जब पावर देने की बात आती है तो कांग्रेस देती नहीं है और मुसलमान तो बॉन्डेड लेबर की तरह है जो वोट देते हैं। भाजपा के विरुद्ध वोट देना है तो भाजपा के विरुद्ध वोट देना है तो जहाँ कांग्रेस होगी वहाँ कांग्रेस को देगी, जहाँ जेएमएम होगी वहाँ जेएमएम को देगी। 90 से पहले तक मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट करते थे,
क्रिश्चियन कांग्रेस को वोट करती थी। अब दोनों ने अपना रुख बदल दिया। 90 के बाद बिहार में राजद को वोट देने लगी और दूसरे जगह जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां कांग्रेस को वोट देने लगी। मनीष मेहता जी बिहार झारखंड चैनल के झारखंड रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए। मनीष, साफ तौर पर अब भले ही कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा हो कुछ कि जो चूक हो गई है उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन क्या ये अंदाजा था कांग्रेस को कि इस तरह से मामला आगे तक जा सकता है? सवाल उठ सकते हैं कि आप अल्पसंख्यकों के हिमायती तो कहते हैं बनते हैं, लेकिन आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं अपने संगठन में। बिल्कुल रविंद्र, और यही वजह है कि जिस बीजेपी के ऊपर आप देखिए कि लगातार कांग्रेस हमलावर रहती है और सवाल ये उठाती है कि देश में कोई भी चुनाव हो बीजेपी में जो है अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिया जाता है और लेकिन उनके कल्याण की बातें की जाती है। अब देखिए परिस्थितियां झारखंड में कितने तेजी से बदली है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस पर यही सवाल उठा रहे हैं और उनसे ये पूछ रहे हैं कि जिस अल्पसंख्यक वोट को आप हमेशा लेते रहे हैं, जिस अल्पसंख्यक प्रेम का आप लगातार इजहार करते हैं, लेकिन जब संगठन में उन्हें मौका देने की बात आई तो आपने एक भी जिले में एक भी अल्पसंख्यक को मौका नहीं दिया। और यही वजह है कि आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर जो एक बड़ा खेमा है वो इसको लेकर नाराज हो गया है और इसका नेतृत्व आप देखिए कि जो फुरकान अंसारी पूर्व सांसद है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर लेते हैं दिल्ली में, वहां पर उन्होंने आपत्ति जताते हैं। इधर आलमगीर आलम जो झारखंड सरकार में मंत्री है साफ कहते हैं मीडिया में कि चूक हुई है, प्रभारी से हम लोगों ने बात की है, जल्द इसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन जो निर्णय लिए गए थे जिस तरह से जिसका जिक्र आप भी करते रवि कि जब जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई थी उस वक्त कांग्रेस के जो नेतृत्व या झारखंड के जो प्रदेश नेतृत्व है उसने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इस लिस्ट के बाहर आने के बाद इस तरह से और इतना मुखर होकर के विरोध होगा। लेकिन अब जिस तरह से ये विरोध तेज हुआ है इसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष ने भी संकेत दिए है कि अब इस पर पुनर्विचार होगा और जल्द जो नाराजगी है उसको दूर करने की नहीं, लेकिन इस बीच तो ये स्थिति तो ऐसी निर्मित हो गई ना, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि अगर आप अब फिर से नियुक्ति करते हैं चूक को दूर करने की बात करते हैं तो आपको किसी को हटाना होगा एडजस्ट करने के लिए, तो फिर वो दूसरा खेमा नाराज हो जाएगा, तो एक कड़ी चुनौती है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने झारखंड कांग्रेस के जो नब्ज है उसे पकड़ लिया है, क्योंकि आप देखिए कि अब अगर डैमेज कंट्रोल स्थितियां जिस तरह से बन रही है या जो बयान दिए जा रहे हैं अगर आप इसको डैमेज कंट्रोल करते हुए कुछ नामों को आप जिन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है उन्हें शपथ दिलाया गया और अगर आप उन्हें हटा देते हैं और अल्पसंख्यक कोटे से नए चेहरों को उसमें मौका दे देते हैं तो जो हटे हैं वो तो नाराज होंगे, उनके शुभचिंतक भी नाराज होंगे। यही वजह है कि अब इस पर पुनर्विचार की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारे यहाँ लोग बात कहते हैं, लेकिन इन सब के बीच कोशिश थी कि संगठन को प्रदेश में मजबूत किया जाए, लेकिन ये सूची की पहली किस्त जो है जो जारी हुई प्रदेश जिलाध्यक्षों की उसके बाद जो विवाद शुरू हुआ है अब देखिए ये कहां जाकर के थमता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष मेहता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि आखिर क्या स्थितियां कांग्रेस के भीतर बन रही हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।